ये देखिए भगवान का नाम है सगे जी बाबूजी, प्रणाम करिए। ये उदयपुर का पहला रूम, पहला घर, पहली बिल्डिंग, उदयपुर का सबसे पहला घर। हाँ। अरे अभी के आदमी क्या करते, पहले बीवी का मुंह देखते बाद में भगवान की पूजा। महारानी महल, ये भी खंडर जनाना महल, खंडर ही था। कि बंगाल की लड़की, कश्मीर का मौसम और मुंबई की फैशन कब बदलती पता नहीं चले। क्या बात, अभी चलेंगे, शायर भी लगते हो आप तो। गाइज, उदयपुर के व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस समय मैं पहुंच चुका हूं मोती मगरी। तो मोती मगरी काफी ज्यादा फेमस है, अगर आप उदयपुर आ रहे हैं तो यहां पर जरूर आए। यहां का जो टिकट कॉस्ट है वो है 120 रुपीज, और आप अगर यहां पे ई रिक्शा करते हैं तो उसका 50 रुपीज देना होता है, और अगर आप गाइड ले लेते हैं तो एज पर योर कन्विंस आप जितने में पटा लो। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है फतेह सागर लेक, पूरा व्यू आप देख सकते हो, और इधर है उदयपुर सिटी, पूरी सिटी का नज़ारा यहाँ से देख सकते हो। और ये अरावली हिल्स जो है ये पूरा एरिया है, और इस साइड आप देख सकते हो ये है फतेह सागर लेक। चलिए आपको एक बार ऐसे दिखा देता हूँ, ये मुंबई का मरीन ड्राइव समझो इसको, और ये 4-4.5 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ ये लेक है। दोस्तों टिकट मैंने ले लिया, टिकट का कॉस्ट है 120 रुपये, और यहाँ इसको बोलते हैं मोती मगरी, मोती महल के नाम से भी जाना जाता था। मगरी का अर्थ होता है पहाड़, तो अब इसको प्रताप स्मारक के नाम से बना दिया गया है। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आप। दोस्तों ये हमारे गाइड हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है संग्राम, आपका मैं करता स्वागत। संग्राम जानकारी देता हूँ इस मेवर क्षेत्र के लिए। बस कोई लोकेशन मिस ना हो। नो आपके हिसाब से देखिए, अभी आप आए कहाँ से? दिल्ली से, पंजाब से। मैं वाराणसी से। वाराणसी से आए, हमारा नाम है संग्राम, आपका मैं करता हूँ स्वागत जी। तीन आदमी ने नाम रखा राजस्थान, 3 पीपल ने। अच्छा। राजपूतों ने, राणा ने, महाराजा ने क्या नाम रखा? राजस्थान राजो का है, 4 पार्ट में बटा हुआ, 4 कैपिटल में, झालावाड़, मेवाड़, मारवाड़, शेखावाड़ी, फिर मेवाड़। मेवाड़ में कितने जिले आते हैं? 4 जिला, उदयपुर, चित्तौड़, बिरला, राजसमंद, जिसको बोलते हैं मेवाड़। मेवाड़ के राणा है, नेपाल के राणा, बाकी इंडिया में महाराजा है। राजा में राणा में क्या अंतर है? राणा है सूर्यवंशी, एलिफेंट बनाया। अच्छा। राजकुमार ने 3 साल में कितने पैसे लगाया? कम से कम 2 करोड़। एलिफेंट ऊपर बनाया, कार पार्किंग यहाँ बनी। अच्छा, यहाँ कार कौन बनवाया था इसको? ये राजकुमार है, लखाक से, यहाँ का अभी राजकुमार आज की तारीख में। अच्छा, कितने राणा हुआ मेवाड़ में? 76 हुआ, 76। पहला राणा हुआ बप्पा रावल, बप्पा रावल कब हुआ? 734 की बात है। अच्छा, महाराणा प्रताप कौन से वंशज थे? 53। और यहाँ पे ऐसा भी बताया जाता है कि ये सब सारे के सारे रामचंद्र जी के वंशज हैं। हाँ, राम और चंद्र दो ही तो बता रहा हूँ, लव कुश वंश के हैं। लव कुश, लव और कुश तो राम वंश के, सूर्य वंशी सूर्यजा। अच्छा, सूर्य के पूजा के बिना खाना नहीं खाते। अभी अभी के आदमी क्या करते, पहले बीवी का मुंह देखते बाद में भगवान की पूजा। इसीलिए बोलते बंगाल की लड़की, कश्मीर का मौसम और मुंबई की फैशन कब बदलती पता नहीं चले। क्या बात, अभी चलेंगे, शायर भी लगते हो आप तो। चलो चलो भाई, चलो 50 रुपीज इसके भी हैं। चलो, मोती महल बोलते हैं, मोती मगरी बोलते हैं, अभी बोलते हैं प्रताप स्मारक। पहले जाएंगे टॉप, महाराणा प्रताप से मिलाएंगे, फिर आएंगे वीर भवन में। Okay. वो सामने देखिए टावर लग रहा ना, चित्तौड़ का है। ये सब यहाँ के कैंटीन है, कैंटीन है, यहाँ के लच्छी अच्छी पंजाबी। आई लव तो भी लगाई राजकुमार ने। अच्छा, कितनी चित्र लाके? ओरिजिनल है ये तो? हाँ, लगवाई राजकुमार ने भी आपके लिए, फोटो के लिए। Okay. ये वीर भामा साहब। Okay. राणा प्रताप का, ये भामा साहब राणा प्रताप का खजांजी थे, केस काउंटर संभालते थे। अच्छा, 1997 यहाँ लगे मूर्ति। Okay. ये बड़ी मुंबई विले पार्ले में 4 मूर्ति। Okay. बनाने वाले का नाम है शीशिकांत मात्रे। ओके ओके, अभी आ रहा है चेतक वाटी का लेफ्ट साइड। अच्छा, राणा प्रताप का चेतक था, नॉट इंडियन, अरबी था, सफेद था, हल्दी गाड़ी में मारा गया। ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये मोती महल में जाता है भाई। अच्छा, मोती महल से जाएंगे। इसका नाम है चेतक वाटी का। अच्छा, चेतक के घोड़े को नाम रखा, चेतक मोनुमेंट बनाया महाराणा प्रताप का। जो सारा उदयपुर देखो, व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, जयपुर पिंक, जयपुर सनसेट ब्लू, जैसलमेर को बोलते गोल्डन। क्या बात है, कितनी लेके? 7 लेक्स, 7 लेक्स इनसाइड, और सारे ही आर्टिफिशियल है ना? सब आर्टिफिशियल बनवाई गई, कुदरती नहीं है, बनवाई गई झील है, सब यहाँ के राजा महाराजा ने बनवाई, राणा ने। ये राणा बोलते हैं इंडिया में महाराजा, राणा मेवाड़ के, नेपाल के राणा, बाकी महाराजा। इसका नाम है वीरता चौक, अभी स्टॉप होंगे, इसका नाम रखा गया, आप ही ने लगवाया, नाम रखा वीरता चौक। Okay. ये गेट अभी बनवाया आप आने की खुशी में।
ये हम लोग का लास्ट पॉइंट है। नहीं ऊपर आने का टॉप, अभी से घूमने ऊपर जाना। नहीं नहीं यहाँ ये बैटरी वाला लास्ट स्टॉप। ओके दोस्तों, मैं अरावली की पहाड़ियों पर हूँ और ऐसा बताया जाता है कि इन्हीं अरावली रेंज में, इन्हीं पहाड़ियों पर एक समय ऐसा था जब महाराणा प्रताप घास की रोटी खाकर अपना जीवन यापन करते थे। तो गाइज यहाँ से देखिए, ये व्यू पॉइंट है और ये फतेह सागर लेक आप सामने देख सकते हैं और ये पूरा उदयपुर शहर। हालांकि मैं अभी और ऊपर जाऊँगा तो फिर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ से कैसा व्यू आएगा। चलिए, हमारे गाइड साहब तो आगे गए हैं, पहुँचते हैं हम भी। बताए18 जून 1574 सोमवार के दिन 400 साल पहले अपोजिशन थी। इसको कब बनवाया? वही हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, चेत्ते की सेद हो गया था। हाँ, ये तो पढ़ा है। इसको कब बनाया? 58 साल पहले। कहाँ पे बनी मूर्ति? महाराष्ट्र में सांगली में। अच्छा, बनाने वाला आर्टिस्ट का नाम था सर मात्रे श्याम सुंदर। इसका वजन कितना? 1.5 टन। राणा प्रताप की हाइट थी 7.5 फीट, घोड़े की हाइट 7.5, और राणा प्रताप वजन 110 किलो, 35 किलो को लोहे का कवच, भाला, ढाल, तलवार, 280 किलो लेके चेतक चलता था फाइटर में। आर्टिस्ट ने मूर्ति बनाई, एक ही पैर ऊपर की रखा, चेतक का टांग काट दिया पीछे वाला। 5 किलोमीटर रनिंग से चेतक की मृत्यु हुई दौड़ता हुआ, इसी का सह बनाया दौड़ता हुआ। अच्छा, यहाँ कब लगा? 1962 में। ऊपर देखो घोड़े का बेल्ट, जूती, लगाम, लगती लेदर की सारी मेटल है। एक एक घोड़े की दिख रही नस नस, दोनों आंख से देखो घोड़ा दिख रहा है। काफी अच्छा बनाया गया इसको, मतलब पूरी तरीके से देखो घोड़ा दिख रहा है ब्लैक। दो ही आंख बंद कर दो, घोड़ा गायब हो जाएगा। अच्छा, गोल्ड क्या बता रहे थे आप? ये था 1 kg का था, चोर लेके चले गए 15 साल पहले, खाली गोल्ड का सोने का ऊपर पानी है। अच्छा, ये चोरी हो चुका? चोरी हो चुका, 1 kg का था। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, है। यहाँ पे महाराणा प्रताप जो है वो अपने महल से दूर आके यहाँ रहते थे क्या? नहीं, यहाँ तो रहे नहीं, वो तो रहे कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में रहे, वहाँ हुआ लड़े, वहीं से किया। अच्छा, हल्दी घाटी भी दिया। तो चेत के राणा प्रताप का मोनूमेंट बनवाया गया अपने को टूरिस्ट को देखने के लिए। ओके ओके ओके, देखा ना। तो यहाँ यहाँ इस प्लेस से महाराणा प्रताप का क्या लेना देना है? पिता उदय सिंह यहाँ से उदयपुर स्टार्ट किया। ओके, देखा था मोतीमहल का खंडर, उदयपुर का नीम कब्र का 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर का नीम रखा। सबसे पहले मेवाड़ की राजधानी थी एकलिंग, 1559 उदयपुर का निर्माण हुआ। हाँ हाँ, और मेवाड़ का निर्माण कब हुआ? 734 ओके, अप्पा रावल चित्तौड़ में चतरा मोहरे को हराया, बापा रावल वहाँ विजय प्राप्त किया। चित्तौड़ में कितने राजधानी थी? 1300 साल। कितने राणा हुआ? 52 उदय सिंह समेत। उदय सिंह को चित्तौड़ में छोड़ दिया, पन्ना थे ने उदय सिंह को बचाया था। राणा प्रताप का पिता उदय सिंह, ओके, उदय सिंह का बेटा पिता कौन था? संग्राम सिंह, वो लड़े बाबर से। इधर एक सेकंड, वो रहा चेतक। अच्छा, चेतक वो रहा लेफ्ट साइड, हाथी पे मानसिंह था। कितने साल लड़े? चलिए 18 ईयर तक। एक दिन में कितने आदमी मरे दोनों का? 18,000 आदमी। और 18 साल में कितने मरे? 60,000, 160,000, मतलब दोनों को मिला के। चेतक का वहां पांव काटा यहाँ, चेतक उसे बनाया। हाँ, तो उधर जाके मर गया। अकबर इस मेवाड़ को जीत नहीं पाया। राणा प्रताप कितनी? 16 बीबी, 17 बच्चा, 3 और 5 बेटियां। हाँ, राणा प्रताप जन्म हुआ। हाँ, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ इसमें, बहुत ले लिया। ठीक है, इधर आ जाओ। चेतक का पांव कटा, 5 किलोमीटर में हल्दी घाटी का इलाका कहलाता, लेकिन 3 किलोमीटर गया, 30 मीटर का इलाका अभी भी येलो कलर का पहाड़, मिट्टी बोलो पत्थर। तो इतिहासकार नाम रखा हल्दी घाटी। 3 टांग से 22 को जंप किया, पानी के नाले को जंप किया। जून का महीना था, चेतक की मृत्यु हो गई। कभी राणा प्रताप के आंखों में आंसू नहीं आया, चेतक ने प्राण दिया। राणा प्रताप बड़ा दुख हो गया। चेतक की समाधि हल्दी घाटी में, राणा प्रताप समाधि का चावल। इनके भाई भी शक्ति सिंह पहले इनके साथ था, पहले अकबर के साथ था। इसका भाई का नाम था अजमाल, राजगद्दी से उठा लिया सरदारों ने, वो काबिल नहीं था, रावल जैसा था, इसको उठा लिया। राणा प्रताप बिठाया तो अकबर से मिला हुआ था। ऊपर देखो, राणा प्रताप की मम्मी ने कहा था, बेटा 2 तलवार रखना है बस। 2 तलवार क्यों रखते थे? दुश्मन को देने के लिए। नहीं है तब कभी अटैक मत करना, दुश्मन आएगा तलवार ना होगा, अपने दे के फिर लड़ना बेटा। डबल है, डबल डबल, 2 मियान है और 2 कवर है, 2 तलवार है। क्या बात, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर एक साथ में 2 बीबी नहीं रख सकते आप। एक बीबी भी रुका इंडिया में, लंदन में, इंडिया में 2 रखोगे तो पता चल जाएगा कौन से आदमी। तो ये कौन था? हकीम खान। अच्छा, इसमें सर ऑप्शन 2 है। ये गुड पठान था, नॉट मुसलमान, काबुल का था। राणा प्रताप मीटिंग हो रही कुंभलगढ़ में, हल्दी घाटी में, इनको अनुमति दी, राणा प्रताप सेनापति बना दिया।
अकबर की सेना में सेनापति मान सिंह था जयपुर वाला, राणा प्रताप की सेना में पठान था गुड पठान। वो देखिए सोलर, वो है रानी रोड, कौन सा वो बीच में जो है सोलर आसमान के फोटो लेते हैं। अच्छा ओके, सोलर सिस्टम गवर्नमेंट का। हल्दी घाटी के बाद राणा प्रताप ने दिवेर को जीता, कुंभलगढ़ को जीता, मांडलगढ़ चित्तौड़ जीतवाया, पूरी मेवाड़ को जीत ली। जी जी, कितने राणा हुआ मेवाड़ में? 76 हुआ। 3 राणा लड़ेगी, राणा प्रताप ने की, कुंभा ने, संग्राम ने, बाकी किसी ने जीत नहीं गया। खाया पे मैं उनके साथ घूमे, आप अकेले घूम रहे हो। ये सारा उदयपुर का अरावली रेंज है ना, अरावली रेंज है। गुड़गांव से निकला होगा कई वर्षों पहले, गुजरात जाके वहाँ स्टॉपिंग, गुड़गांव से गुजरात तक है, गुजरात तक अरावली है। मार्बल उसका वो व्हाइट बिल्डिंग जो है, मार्बल वाले का आरके मार्बल, यस। उधर संजय गांधी पार्क है, राजीव गांधी पार्क है, नेहर पार्क, हाँ वो सब तो देखा। ये नीचे का एरिया क्या? ये इसको बोलते हैं रेण पार्क, प्राणी का मेल वहाँ बना रहे थे। राणा जी का मेल में भी जाएंगे अपन, वो मोती मेल का खंडर है। ओके जी, ये राणा की जमीन अभी भी डाउन वाली, ये भी इनकी है, अरविंद सिंह की। अच्छा, 26 माले की बिल्डिंग है, उदयपुर की आबादी है 14 लाख, व्हाइट ब्लैक ग्रीन, एक वो छतरी आपके लिए बने अभी। अच्छा, ये टूरिस्टों के लिए। अब चलते हैं नीचे की ओर, मेरे गाइड ने मेरा साथ छोड़ दिया है फिलहाल के लिए। ये तो किसी भी रास्ते से जाओ पहुंचेंगे वहीं। मोती मगरी भी बोलता है, प्रताप स्मारक ये जो है, हाँ, ये मोती मेल खंडर है, फर्स्ट बिल्डिंग खंडर हो गया ये तो, मतलब खंडर ही था। रुको, 1559 में इसका फाउंडेशन किया उदय सिंह ने, इतना ही बनाया, स्टॉप कर दिया, सिटी पे शिफ्ट कर लिया, तो नाम रखा गया मोती मेल का खंडर। अच्छा, इसको आधा पे काम रोक के वहाँ पे सिटी पैलेस में चले गए। सिटी पैलेस नहीं था, वहाँ निर्माण कर दिया, वो तारीख उसमें डाल दी। ये महारानी महल, ये भी खंडर, जनाना महल खंडर ही था, जनाना और मर्दाना महल। अच्छा, ये जनाना है और ये मर्दाना, महाराना महल, पहले रानी दूर रहती थी साथ, अभी की रानी तो साथ रहती है। इतने देखो, इतने बनाया, स्टॉप कर दिया, वहाँ से भी कर लिया। ये देखो गाइस, यहाँ से नीचे का पूरा ये फतेह सागर लेक का एरिया है, वो सामने एक्वेरियम दिख रहा है, और इधर पूरा सिटी का एरिया है, और क्या ही व्यू आ रहा है यहाँ से, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से। और ये है मोती मगरी महल का पूरा एरिया, और इस साइड ये फतेह सागर लेक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया भी है, कि सारे के सारे आर्टिफिशियल लेक है, जो कि यहाँ के राजा महाराजाओं ने बनवाया था, और वो इसमें बोटिंग करते थे। ये कमाल का प्लेस है भाई, थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है ऐसे। वाव, ऊपर का वो टॉप, ये टॉप दिख रहा है, इसका नाम है सज्जनगढ़, 1884। हाँ, वो सज्जनगढ़ तो जानता हूँ, जानते हैं ना, 1884 में इसको बंद कर दिया सज्जन सिंह ने। इसके पीछे देखिए 6, वो एक अच्छा धागा, जेंट्स बॉर्ड, हमारे भी अजीत का गाना उसी में हुआ था। ये टोटल देखो लेक नसरुद्दीन है। ये देखिए भगवान का नाम है, सगेजी बाबूजी प्रणाम करिए। ये उदयपुर का पहला रूम, पहला घर, पहली बिल्डिंग, उदयपुर का सबसे पहला घर। हाँ, पहले मेवाड़ की राजधानी एकलिंग जी, चित्तौड़, कुंभलगढ़, गोविंदापुरम, उदयपुर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।